कि मेरा था और वो माने कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इसके लिए अगर कोई दोषी है सबसे बड़ा वो मुख्यमंत्री है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत अब राज्यपाल से करेगी बीजेपी। आखिर बीजेपी किस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की शिकायत राज्यपाल से करेगी? सबसे पहले आप प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल को सुनिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है 9 तारीख यानी 9 जून को बिहार सरकार की शिकायत राज्यपाल से की जाएगी। उसके बाद NIT पटना, फिर IIT बॉम्बे, इन सबको लगाया गया था, जिसके रिपोर्ट आए कि नहीं आए ये भी सवाल था। लेकिन बगैर रिपोर्ट आए फिर पुल के काम को चालू कराना और चालू करा करके उस पर 300 करोड़ रुपये का भुगतान एजेंसी को देना, इस बात को दर्शाता है कि बड़ा मामला भ्रष्टाचार का इसमें है और इसके लिए हम दोषी किसी पदाधिकारी या पदाधिकारी को नहीं दे सकते। ये ड्रीम प्रोजेक्ट खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा था और वो माने कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इसके लिए अगर कोई दोषी है तो सबसे बड़ा वो मुख्यमंत्री है और वो भी मुख्यमंत्री जो इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद पुल का डिजाइन, कहा जाता है कि पुल का डिजाइन बदल गया, पुल का डिजाइन ठीक नहीं था, इस कारण से जो ऐसे पुल में गड़बड़ी हुई। तुम्हारे इंजीनियर मुख्यमंत्री के रहते और डिजाइन में गड़बड़ी क्यों हुई? इस 1750 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला पुल ये जनता का पैसा था, जो आप टैक्स लेते हैं, जो विकास की राशि होती है, और उस पैसे का इस प्रकार से भ्रष्टाचार के कारण इस पैसे का समाप्ति होना, खत्म होना, इसकी जांच की हम लोग मांग लगातार कर रहे हैं और जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग पहले भी कहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि भाई सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो और नहीं तो CBI से हो। बिहार सरकार कोई एजेंसी से या किसी से उस पर कोई विश्वास हमको नहीं है, इसलिए कि आप पर आरोप लगे हैं और आप ही जांच कराइएगा तो फिर आप कितना जो ऐसे लिपापोती आप कर दीजिएगा उस जांच को। इसलिए जब तक आप सिटिंग जज या CBI से जांच नहीं कराएंगे तब तक हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है। 9 तारीख को सभी जिलों के अंदर में ये पुतला दहन का बिहार साथ जो ऐसे होगा और 12 तारीख को हम राज्यपाल से भी मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और राज्यपाल से मांग करेंगे कि आप अपने स्तर से CBI या सिटिंग जज के माध्यम से इस पुल के पूरे मामले की जांच कराएं और जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम लोग चुपचाप रहने वाले नहीं है। इसलिए कि ये जनता का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और इसको भ्रष्टाचार के द्वारा इस पैसे को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो आपने सुना प्रेम रंजन पटेल को, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का, मगर किसी कारणवश वो पत्रकारों से रूबरू नहीं हो पाए और उनके जगह प्रेम रंजन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट किया कि 9 जून को तमाम बिहार के जिलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका जाएगा और साथ ही साथ जो पुल गिरा है उसको लेकर के CBI जाँच हो और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार सरकार अगर इसकी जांच करवाती है तो निपापोती होगा, इसका जांच जो है वो CBI करे ताकि तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाए और अगर नहीं करती है तो इसकी शिकायत वह राज्यपाल से करेंगे। बीजेपी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और तमाम बातों से मुखातिब भी करेगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।